अंबेडकर नगर बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के दिशा निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र आलापुर के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बसपा कार्यालय रामनगर में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त, मुख्य जोन इंचार्ज फैजाबाद, देवी पाटन मंडल बसपा प्रभारी आलापुर अंबेडकर नगर रहे। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि आरबीआई के गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व राज्यसभा सांसद विजय माल्या 9000 करोड़ रुपए लेकर के भाग गया, देश के लोगों का भारी नुकसान हुआ है। श्री दत्त ने बताया कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाजवादी पार्टी को जगाने में लगा दी, जिन्होंने पैसे के अभाव में अपने बेटे को बिना कफन के दफन कर दिया। ऐसे महापुरुष के संघर्ष को हम कैसे भूल सकते हैं। बाबा साहब के दिशा निर्देश पर हमारी पार्टी चलेगी और आने वाले भविष्य में बसपा ही देश और प्रदेश में परचम लहराएगी। टांडा से बीएन समाचार के लिए मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। सही बात है, हमारे ही चलने से जमाना जब बदलेगा तो अब हम जमाना बदल कर दिखाते हैं, क्योंकि हमें रोजगार मिलेगा। मेरे साथियों, नौजवानों ने भी अंगड़ाई ले लिया, उनकी सरकार बन गई। 4 साल 4.5 साल हो गया, फरवरी में चुनाव की घोषणा होने वाली, 1 महीना और बचा है। किसी को मेरे साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक भी रोजगार मिला हो तो नाम और हाथ उठाकर बताए। नहीं मिला। मिला क्या? लाठियां मिली रोजगार के नाम पर, आए दिन लाठियां मिल रही है। शिक्षा मित्र बेचारे लाठी खाए, टीटी के और बीएड के लोग लाठी खाए, बीपीएड के लोग लाठी खाए, आए दिन लाठियां खाते हैं और इनके वांट बड़े बड़े निकलते हैं। नौजवान बेचारा कर्जा लेकर के धान गेहूं बेच करके फार्म भरता है।